partially agricultural income and stay कृषि आय। करदाता की आय कुछ इस प्रकार भी हो सकती है जिसमें कुछ भाग कृषि से संबंधित हो और कुछ भाग बिजनेस से संबंधित हो सकता है। ऐसी ही आय में सबसे पहले इनकम ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स यूटिलाइजिंग देयर ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल, स्वयं के कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में काम में लेने वाले निर्माताओं की आय। कुछ आय ऐसी होती है जिसमें कुछ तत्व कृषि से संबंधित होता है और कुछ व्यापार से संबंधित। उदाहरण के लिए ऐसी चीनी मिलों की आय जो स्वयं के खेत पर गन्ना उगाती है, अथवा आटा मिलों या तेल मिलों की आय जो स्वयं के खेत पर गेहूं अथवा तिलहन उगाती है। इसकी कुल आय में एक अंश कृषि आय का होता है तथा शेष आय व्यापारिक आय करयोग्य आय होती है। करयोग्य आय का अंश मालूम करने के लिए करदाता द्वारा अपने फार्म पर उत्पादित माल का बाजार मूल्य, जिसे उसने स्वयं ने कच्चे माल के रूप में काम में लिया है, उसे घटा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे माल का बाजार मूल्य घटा दिया जाता है, अतः ऐसे माल को पैदा करने अथवा कृषि कार्य के खर्चे को दोबारा नहीं घटाया जाएगा। यहाँ बाजार मूल्य से आशय उस उपज साधारणतः बाजार में बिकती है तो उसका औसत बाजार मूल्य, यदि वह उपज साधारणतः बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न में से जो भी उचित हो उसे बाजार मूल्य मान सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कृषि संबंधी व्यय, टोटल व्यय कितने हुए उसका टोटल। सेकेंड, भूमि का लगान अथवा किराया, जिस जहां पर वो उपज की गई है उसका किराया क्या है। और थर्ड है आयकर अधिकारी की दृष्टि से लाभ की उचित मात्रा, इन तीनों में से जो उचित हो उसे बाजार मूल्य माना जाएगा और उसे कुल आय में से घटाकर व्यापार की आय ज्ञात कर ली जाएगी। सेकेंड, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रबर्स, रबर के उत्पादन से आय। ऐसे करदाता की आय जो भारत में रबर के पौधे से प्राप्त कोलगम या फील्ड लेटेक्स से सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स अथवा सेंटेक्स अथवा लेटेक्स आधारित क्रेप उत्पादित करके बेचते हैं। 65% आय कृषि आय मानी जाएगी तथा 35% आय व्यापारिक आय या करयोग्य आय होगी। तो रबड़ के उत्पादन में टोटल जो इनकम होगी उसमें 65 को माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम और 35 को माना जाएगा बिजनेस या ट्रेडिंग की इनकम। ऐसी आय की गणना करने के लिए उस समस्त पौधे को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाएगा और जो पौधे मर गए हैं उनके स्थान पर नए पौधे जो लगाए जाते हैं। यदि करदाता रबड़ बोर्ड से कोई अनुदान सब्सिडी प्राप्त करता है और यह अनुदान धारा 10(31) के अनुसार कर मुक्त है तो इसे रबड़ उत्पादन की लागत में से नहीं घटाया जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि रबड़ के उत्पादन में जो आय होती है 65% आय कृषि आय मानी जाएगी और 35% आय को व्यापारिक आय मानी जाएगी, जिस पर करदाता को कर का भुगतान, टैक्स का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, कॉफी के उत्पादन से आय। ऐसे करदाता की जो भारत में कॉफी का उत्पादन एवं निर्माण करके विक्रय करते हैं, 75% आय कृषि आय मानी जाती है और 25% आय व्यापारिक आय या टैक्सेबल इनकम होती है। परंतु ऐसे करदाताओं की जो भारत से कॉफी का उत्पादन निर्माण और जमीन में रखने ग्राउंडेड जैसी क्रियाओं को करके विक्रय करते हैं, चाहे चिकोरी अथवा अन्य कोई खुशबूदार तत्व मिलाया गया हो अथवा नहीं, 60% आय कृषि आय मानी जाएगी और 40% आय व्यापारिक आय करयोग्य आय होगी। ऐसी आय की गणना करने के लिए उस समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाएगा जो मरे हुए पौधों के स्थान पर लगाए जाते हैं। यदि करदाता कॉफी बोर्ड से कोई अनुदान सब्सिडी प्राप्त करता है तो यह अनुदान धारा 10(31) के अनुसार कर मुक्त है तो इसे कॉफी उगाने की लागत में से नहीं घटाया जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि
कॉफी के उत्पादन से जो आय होती है उसमें 75% आय कृषि आय मानी जाएगी और 25% आय व्यापारिक आय मानी जाएगी, जिस पर करदाता को कर का भुगतान करना होगा। लेकिन यदि कॉफी का उत्पादन करने के बाद कॉफी का निर्माण करना, भूनना जैसे रोस्टेड और जमीन पर रखने, ग्राउंडेड जैसी क्रियाएं भी की जाती है, और उसके बाद यदि विक्रय किया जाता है तो उसमें 60% आय कृषि आय मानी जाएगी और 40% आय कर योग्य आय या व्यापारिक आय होगी। लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ टी, चाय के उत्पादन से आय। ऐसे करदाताओं की जो भारत में चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके विक्रय करते हैं, 60% आय कृषि आय मानी जाएगी तथा 40% आय व्यापारिक आय या कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम होगी। ऐसी आय की गणना करते समय उन समस्त पौधों को लगाने के व्यय भी लागत में जोड़ दिए जाएंगे जो मरे हुए पौधे के स्थान पर लगाए जाते हैं। यदि करदाता चाय बोर्ड से कोई अनुदान सब्सिडी प्राप्त करता है और यह अनुदान धारा 10 से 30 के अनुसार कर मुक्त है तो इसे चाय उगाने की लागत में नहीं घटाया जाएगा। अर्थात चाय का उत्पादन करने से जो आय होती है वह आय में 60% हिस्सा कृषि का माना जाएगा और शेष 40% हिस्सा व्यापारिक आय कहलाएगा, जिस पर करदाता को कर का भुगतान, टैक्स का भुगतान करना होगा।